सैदपुर ब्रिज पर खड़े हैं। जो सैदपुर से चहनिया जाता है, आप देखिए गंगा में उफान है। गंगा तलहटी किनारे वाले बाजार से गंगा एकदम किनारा बाढ़ लगातार कहाँ रहने वाले ग्राम सभा मजलिस से। ये जो सैदपुर पुल पर हम लोग खड़े हैं इस समय, देख रहे हैं आपके पीछे, देख रहे हैं गंगा जी जो है एकदम उफान पर है। तो ये बाढ़ कितने दिनों से नज़र आ रही है? ये एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार बढ़ रही है। एक हफ्ते से रफ्तार बढ़ रही है। तो अभी तक सरकारी कोई सुविधा? सरकारी कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। अब ये देखिए दूर दूर तक दिखाई दे रहा है गंगा, उस तरफ जो है मझलेपुर गांव है, तलहटी गंगा देखिए, और इधर सैदपुर राजकीय विद्यालय है, दिखाई दे रहा है आपको। बाढ़ तो अपने उफान पर है, इस समय हम सैदपुर पुल पर खड़े हैं। सैदपुर पुल जो सैदपुर से चल के चहनिया की तरफ जाता है, चहनिया होते हुए चंद्रपुर में जाता है, और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ गंगा नदी का पानी बाढ़ से आच्छादित है। देखिए गंगा नदी ब्रिज को टच कर रही है, बाढ़ जो है पूरे अपने जोश पर है, उफान पर है। ये इस समय हम बलुआ ब्रिज पर खड़े हैं, बलुआ घाट से वाराणसी की तरफ जाने वाले नदी का बाढ़ देखिए है, और ब्रिज इस तरफ भी देखिए सामने गौरा शिवदशा और बलुआ गांव का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। बलुआ पुल के नीचे का गांव, गंगा का पानी तलहटी छू रहा है। यह धनुषाकार आकार आप जो देख रहे हैं वाराणसी की तरफ से बलुआ घाट की तरफ गंगा का पानी।